रिपोर्ट राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस काम है अक्सर जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो किसी खास मकसद के तहत लिखी जाती है एंड इट्स नॉट सेल्फ़ एक्सप्रेशन या एंटरटेन करना बल्कि किसी सीरियस काम के लिए लिखी जाती है इट कैन बी अ न्यूज़ रिपोर्ट इट कैन बी एन एनुअल रिपोर्ट किसी डोनर को दी जा सकती है मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन की रिपोर्ट हो सकती है सो ऑल दिस डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स लेकिन उसको जब लिखा जाए तो हमें क्या उसका ख्याल रखना किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी चीज़ों को हमें देखना चाहिए कि ये चेकलिस्ट पर हमारी टिक मार्क लगे हैं कि नहीं एक तो यह कि उसके हमें ऑब्जेक्टिव्स पहले डिटर्मिन करने चाहिए कि ताकि उसी के मुताबिक हम अपना लिखने का अमल चलाएं और और अगर हमें ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे और हम क्लियरली स्टेट करेंगे तो ऑडियंस को भी हम उसके मुताबिक प्रिपेयर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो हैं स्पेसिफ़िक होने चाहिए मुख्तर लिखे होने चाहिए और उसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जब आप लिस्ट करें तो सारे ऑब्जेक्टिव उसमें शामिल होने चाहिए कोई छोड़े नहीं जाने चाहिए लेकिन ये कि लिस्ट को खाम लंबा करने के लिए चीज़ें रिपीट भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें फिर लिखे हुए में झोल आ जाता है वो क्रिस्प नहीं रहता ऑडियंस के मुताबिक होनी चाहिए जैसे कोई भी लिखी हुई चीज़ होती है ऑडियंस के मुताबिक इसी तरह रिपोर्ट को भी ऑडियंस के मुताबिक होना चाहिए किस सेक्टर के लिए आप लिख रहे हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर है वो जो है डेवलपमेंट सेक्टर है गवर्नमेंट है कोई वो बिज़नेस एंटरप्राइज है जिसके लिए आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके मुताबिक जो है आप उसको एंगल करेंगे और रिपोर्ट लिख, लिखी किसके लिए जा रही है और इन्फॉर्मेशन आगे किसके पास जाएगी ये सारी चीज़ें जहन में रखने की ज़रूरत है रेकमेंडेशनस हो सकता है कि कोई ऐसी रिपोर्ट हो जो किसी एन जी ओ ने कराई हो लेकिन उसमें रेकमेंडेशनस वो हों जो हकूमत ने जिनके ऊपर अमल दरामद करना है तो उसके फिर मुताबिक उनको लिखना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के लिए वो चीज़ कंसिडर करने के लिए आसान हो या उसमें स्पेसिफ़िक डिटेल्स इतनी हों कि वो गवर्नमेंट उसको आ, अपने कंसिड्रेशन में ले सके या अपने प्लान ऑफ एक्शन में डालने के बारे में सोच सके और अपना एक आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए रिपोर्टिंग का जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें आपने आ, हो सकता है कोई चीज़ फ्लैटरिंग ना हो तो आप सोचें कि इसको हम मैंशन ना करें लेकिन ये कि ये नहीं हो सकता कि आप आउटराइट झूठ बोलें या कोई चीज़ को बिल्कुल ही गटमट करके आ, बयान करें यू कैन सेलेक्ट वॉट टू प्रजेंट वॉट टू हाईलाइट बट यू कॉन्ट टोटली लाई अबाउट थिंग्स तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल रिसर्च करेंगे अगर आप जब रिपोर्ट लिखेंगे तो ऑब्वियसली रिपोर्ट इज़ एन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड तो आप पहले ये देखेंगे कि हुआ क्या है और फिर आप उसके रिसर्च करेंगे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे पुराने डॉक्यूमेंट्स कोई अगर सर्वे फॉर्म्स हैं आप उनको देखेंगे उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएंगे एनिकडोट्स यानी कि लोगों से बात करके लोगों से जो अगर टीम के लोग हैं जिन्होंने काम किए सर्वे पर उनसे इंटरव्यू लेंगे और उसको आप नोट्स बनाएंगे या जिन लोगों ने सर्वे दिए उसमें से कोई आप सैम्पल लेके उनसे आप बात करके और इंटरव्यू करके और फिर आप देखेंगे कि उनका क्या इनपुट है और उसको भी उसमें आप शामिल करेंगे तो उससे आपकी जो रिपोर्ट है वो रिच हो जाएगी सिर्फ नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स से रिपोर्ट इतनी रिच नहीं होती जितने कि अगर आप उसमें एनिक टोटल एविडेंस यानी कि जो लोगों पे बीती है उसके बारे में भी अगर आप बताएंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फिर चीज़ हो सकती है इसके अलावा मार्केट से क्या फ़ीडबैक है बाकी लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं जो भी आपका टॉपिक है उसको भी आप देखेंगे और जिस प्रोजेक्ट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसको ओवरऑल को भी आप देखेंगे जिसके अंदर के ये सर्वे या जो भी चीज़ है एक्टिविटी है उस जिसके अंदर हाउस्ड है तो उस ओवरऑल प्रोजेक्ट को भी आप फिर कंसिडर करेंगे उस जैसे और दूसरे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे कंपेरिजन के लिए देखने के लिए रिपोर्ट्स कैसे दूसरे लोग बना रहे हैं द इफॉमेसन यू कलेक्ट हैज़ टू बी मोर देन द इंफॉमेशन यू गिव आउट इन अ रिपोर्ट यानी कि आपके पास बहुत सी इन्फॉमेशन होगी तो फिर आप जो थोड़ी सी बात करेंगे वो आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकेंगे और उसके लिए आपके पास एक बैकिंग या एक रूट होगी तो सामने तो इतनी सी चीज़ नज़र आएगी लेकिन उसके नीचे देर हैज़ टू तो बी अ होल रूट सिस्टम यानी कि जिसके ऊपर वो बात आपकी खड़ी हो है, जिसके ऊपर वो बात बेस्ड हो परस्पेक्टिव भी रिपोर्ट में क्योंकि कोई चीज़ हो चुकी है अब आप उसके बारे में बता रहे हैं तो उसमें आपका थोड़ा सा व्यू पॉइंट या पॉइंट ऑफ व्यू भी होगा और उसमें आप जो है ऑडियंस कौन है और किसके लिए लिख रहे हैं और पर्पज़ क्या है दैट विल प्ले अ बिग रोल सो so, अपने कॉलिग्स से पूछें क्लाइंट से पूछें कि क्या परस्पेक्टिव लेना है कौन सी चीज़ हाईलाइट करनी है कौन सी नहीं करनी रेकमेंडेशनस में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए बिकॉज अगेन जो चीज़ हुई वो तो फैक्ट है लेकिन जो रेकमेंडेशंस दे रहे हैं आप बेशक उसमें से निकाल के दे रहे हैं लेकिन यह कि उसमें आपकी ओपिनियन आपकी इंक्लिनेशन आपकी फेवरेट थीम्स कौन सी हैं उस सब का अमल दखल हो सकता है so, सो मशवरे के साथ वो करें और फ़ाइंड आउट द एरियाज़ दैट दे वॉन्ट टू हाईलाइट फाइंड आउट विच थियोरेटिकल फ्रेमवर्कस ग्लोबल अग्रीमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज़ आर इट प्ले अगर सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स के साथ कोई कनेक्शन बनता है तो आप उसको मैंशन कर सकते हैं कोई और जो अग्रीमेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है अगर आप पाकिस्तान के लिए करें तो आप उनका किसका मैंशन करना चाहेंगे या जो भी जिस मुल्क के लिए भी आप करें तो वो मुल्क किन चीज़ों में या किन ग्लोबल अग्रीमेंट्स का हिस्सा है उसके मुताबिक आप कैसे उसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं दिस इज़ एन ऑप्शन कि ये भी आप एक एंगल उसमें ले सकते हैं अपना वैल्यू एडिशन भी आपने उसमें लेके आना है सिर्फ आपने ठक ठक फैक्ट्स नहीं देने अपनी कोई वैल्यू एडिशन होगी और उसको रिसर्च को और ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए आप कोई अपने आइडियाज़ भी पेश कर सकते हैं जाहिर है वो उसी में से डराइव होने चाहिए बिल्कुल फैंटास्टिक या कोई वो एक और अलग से नहीं होने चाहिए उससे कनेक्टेड होने चाहिए लेकिन ये कि आपके अपनी एक्सपीरियंस नॉलेज और जो सारी आपने रिसर्च की है उसकी रोशनी में आप ये भी बता सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप्स बनाएं यानी कि जो की इंफॉर्मेशन है आप उसको पहले कंसिड्रेशन में लें और ट्रेंड्स और पैटर्नस क्या नजर आ रहे हैं अगर मार्केट की है या डेवलपमेंट सेक्टर की है उनके जो भी अपने वो हैं ट्रेंड्स हैं थीम्स या टॉपिक्स क्या निकल रही हैं उनको आप करके माइंड मैप्स बनाएं और देखें वो क्या हो रहा है और फिर ये सोचें कि इस इंफॉर्मेशन को अरेंज करने का बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है देर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ अरेंजिंग अ रिपोर्ट uh, उसके कुछ तो हिस्से तय होते हैं लेकिन जो मेन उसका नैरेटिव है उसमें आप कौन सी चीज़ों की सब हेडिंग्स देंगे कौन सी पहले कौन सी बाद में तो ये सारे डिसीजंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं करने के आउटलाइन आपको बनानी होगी जैसे कि किसी भी चीज़ के लिए बनाई जाती है उसको स्ट्रक्चर करेंगे और उसके बाद जो है जो आउटलाइन है उससे पहले आपने रिसर्च की होनी है और फिर दूसरे भी आप रिपोर्ट्स को स्टडी करके उसके मुताबिक आप आउटलाइन बना सकते हैं और उसके बाद सिक्लिकल राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि जो आउटलाइन में आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स डाली हैं उसको ज़रूरी नहीं है कि सबको आप सीक्वेंस में ही पुर करें अगर आपको इन्फॉमेशन पाँचवीं हेडिंग की पहले कहीं आ गई है दिमाग में या आपकी कॉलीग से डिस्कशन हुई और उस पर आपको अच्छा मवाद मिल गया पुट दैट इन जो जो चीज़ें आपको शुरू में क्लियर होती जा रही हैं उनको उसी हिसाब से उसको अपने टेम्पलेट को या आउटलाइन को पॉपुलेट करते जाएं और उसमें ऐड करते रहें ऐड करते रहें चीज़ें अंटिल यू हैव अ कंप्लीट वन और फिर एंड में उसको कंप्लीट नैरेटिव को लिखें और फिर उसको दोबारा से पढ़ें ताकि वो कोजन उसमें नज़र आए और वो इकट्ठा नज़र आए ये ना लगे कि ये अलग अलग सारी चीज़ें हैं एडिटिंग उसमें एक तो फैक्ट चेक आपने करना है नंबर्स करेक्ट हैं डेट्स करेक्ट हैं जो बाकी डॉक्यूमेंट्स में हैं वही इसमें भी हो लाइन बाय लाइन एडिट यानी कि कोई स्पेलिंग्स के एरर्स पंक्चुएशन के कोई इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही हो ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज करना है पैराग्राफ लेवल चेक्स पैराग्राफ ज़्यादा बड़े तो नहीं है एक पैराग्राफ में एक ही बात हो रही है या कंसिस्टेंट बात हो रही है और इंटरनल कॉन्ट्रोडिक्शन लाइक वी जस्ट सेट के उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए फैक्ट्स जो बयान हो रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव आपने शुरू में बनाए थे रिपोर्ट के मेक श्योर sure कि वो सारे मीट हुए हैं कि नहीं जो आपकी असल चेकलिस्ट है इसको एडिट करने के लिए वो वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपने शुरू में बनाए थे तो जब एक दफ़ा रिपोर्ट देख लें आप बन जाए पूरी उसको पढ़ चुकी तो फिर आप देखें कि वो ऑब्जेक्टिव जो आपने शुरू में रिपोर्ट के लिए लिखे थे हैव दे बिन और नॉट और अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो फिर आप उसके मुताबिक उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं उसके अलावा अगर ज़रूरत है तो उसको ऑर्गेनाइज़ अगर बेटर करना है उसको सीक्वेंस कोई चेंज करना है उसकी हेडिंग सब हेडिंग्स को आपने लेआउट कैसे बनाना है तो वो फिर आप उसको इस स्टेज के ऊपर भी कर सकते हैं एक दफ़ा तैयार हो जाए तो उसका ड्राफ्ट क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट पे आप ख़ुद काम कर रहे हैं उसको आप ख़ुद क्रिटिकली उतनी बेहतर नज़र से देख नहीं सकते सो यू ऑलवेज़ नीड अन अदर पेयर ऑफ आईज अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर करें और उनका जब फीडबैक आए वो कहें इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें इसको डिटेल कर दें देन यू इनकॉर्पोरेट दैट अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो क्लाइंट ने डेडलाइन दी है उससे एक दो दिन पहले मुकम्मल करके उसको साइट पर रख दें जब उस दूसरे अपने काम करें एक दो दिन उसको बिल्कुल ना देखें और उसके बाद देखें तो फिर आप उसको फ्रेश आँखों के साथ दोबारा से देख सकते हैं और क्लाइंट को अगर आप भेजेंगे और उनकी तरफ से फीडबैक आएगा तो ऑब्वियसली गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इट एंड मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिपोर्ट राइटिंग